हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुहागरा 100 mg टैबलेट का रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुहागरा टैबलेट किन किन कामों में इस्तेमाल की जाती है, इसके यूज़ेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको कैसे लेना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुहागरा टैबलेट कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी MRP कितनी है और इसके अंदर क्या साल्ट डाला गया है, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो साल्ट डाला गया है उसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो कि 100 mg होता है और सिप्ला कंपनी इस दवाई को बनाती है। दोस्तों सिप्ला कंपनी काफ़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। और दोस्तों बात करते हैं इसके MRP की, इसका MRP होता है 192 और इसके अंदर 4 गोलियां निकलती हैं, इस तरीके की ब्लू कलर की 4 टैबलेट निकलती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक जेनरिक दवाई है, इसको कभी भी MRP पे मत लेना, क्योंकि ये जो है रेट इसके कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं। दरअसल ये एक गोली 20 रुपये में मिलती है और अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 4 गोली की कीमत 80 रुपये हो जाती है, लेकिन इसके अंदर MRP जो है वो 192 है। तो दोस्तों जब भी आप इस दवाई को ख़रीदें आप जो है MRP के हिसाब से मत लें। ये 20 रुपये की टैबलेट जो है खुलेआम बिकती है हर किसी केमिस्ट की दुकान पे, आपको किसी भी आप मेडिकल स्टोर से इसको ख़रीदोगे तो आपको 20 रुपये की मिल जाएगी। अगर कोई आपको ज़्यादा की दे तो मत लेना आप, क्योंकि इसका ओपन रेट है, ये हर केमिस्ट पे 20 रुपये में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ेस के बारे में, किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सुहागरा टैबलेट जो होती है शीघ्र पतन के लिए होती है, जिन लोगों की टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का जल्दी सेक्स के दौरान जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाता है और जो लोग जो है ज़्यादा देर तक सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं और जिन लोगों को लिंग में प्रॉब्लम होती है, तनाव नहीं रहता है, लिंग में ढीलापन रहता है और सेक्स को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं, वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी दवाई है टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जिन लोगों की समस्या है कि उनका ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और वो तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको सेक्स में एंजॉय नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जो है शादीशुदा लाइफ में भी काफ़ी दिक्कत आती है और जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं कि सेक्स टाइम कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाएं। आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि वो ज़्यादा देर तक जो है सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान। आजकल हमारे खान पान में इतना मिलावट हो गया है, इतना जो है केमिकल्स यूज़ होते हैं हर चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स में जो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको सेक्स टाइमिंग की प्रॉब्लम है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, आपका लिंग में तनाव नहीं रहता है, आप सेक्स को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी दवाई है। और दोस्तों अब आपको बता देता हूँ इसकी डोज़ के बारे में, इसको लेना कैसे है। तो दोस्तों आपको सेक्स करने से 1 घंटे पहले इस दवाई को खाना है और एक चीज़ का आप ध्यान रखना ज़रूर कि इस दवाई के ऊपर कभी भी वाइन वगैरह मत पीना। अगर आपने शराब पी रखी हो, वाइन ले रखी हो तो इस गोली को मत यूज़ करना, क्योंकि उससे आपको काफ़ी तगड़ा रिएक्शन होने का ख़तरा रहता है। तो दोस्तों आप जब भी इसको यूज़ करें और तो आप खाना खाने के बाद यूज़ करें, खाली पेट भी इस दवाई को ना खाएं, क्योंकि खाली पेट खाने से क्या होता है गैस बन जाती है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोगों में देखा गया है जो लोग खाली पेट इस दवाई को खा लेते हैं तो उनको गैस की और जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको खाना खाने के बाद ही लें और सेक्स करने से 1 घंटा पहले लें तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, आपको और भी कोई गंभीर अगर बीमारियाँ हैं तो इस दवाई का सेवन ना करें, इस दवाई से परहेज करें, क्योंकि दोस्तों इस दवाई को खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है और ब्लड जो है काफ़ी तेज़ रक्त संचार हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ तरीके से दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है हार्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये दवाई जो है
काफ़ी जो है नुकसान भी करती है फ़ायदा करने के साथ साथ। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, वो इस दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे कुछ ना कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस दवाई को आप रोज़ रोज़ यूज़ ना करें। आप कभी कभार आपको लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन आप इस दवाई को रोज़ रोज़ इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको दोस्तों हैबिट पड़ जाएगी और हैबिचुअल हो जाओगे आप। और इस दवाई की इतनी हैबिट हो जाती है कि अगर आप इस दवाई को नहीं खाओगे तो आप सेक्स जो है उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आप इस दवाई की आदत ना डालें। आपको कभी कभार एंजॉय करना हो, सेक्स टाइम बढ़ाना हो, तब आप इस दवाई को ले सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी टैबलेट है, आप इसको यूज़ करें और आपको हर जगह कहीं भी किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था सुहागरा 100 mg टैबलेट का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों फिर भी आपको कुछ ये सुहागरा टैबलेट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।